बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा मुरैना के निवासी हैं। जबलपुर उनकी ससुराल है और कटनी उनके संसदीय क्षेत्र में है। इन तीनों ही जगहों में बीजेपी चुनाव हार गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दो गैंगस्टर को पुलिस ने मार गिराया है। अमृतसर के भकना गांव में 5 घंटे चली मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। ये गांव पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने के इरादे से आया है पाकिस्तानी घुसपैठिया। रिजवान असरफ 160 किलोमीटर का सफर कर बॉर्डर तक पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक इसके लिए इसने 5 बसें बदली। सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली 50% छूट दोबारा शुरू नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने पर लगी रोक हटा दी है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते थे। झारखंड की राजधानी रांची के पास एक वैन ने महिला एसआई को कुचल दिया। 32 साल की एसआई संध्या टोपने शहर के बाहरी इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी मवेशियों को ले जा रहा तेज रफ्तार वाहन उन्हें कुचलकर भाग गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त संध्या ने दम तोड़ दिया। भगवंत मान की बुधवार को कुछ जांच हुई थी, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। वे अभी अस्पताल में कुछ और दिन तक भर्ती रह सकते हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। इसके कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली का खुलकर बचाव किया है। एक खराब दौर से गुजर रहे विराट कोहली को लगातार पूर्व और साथी क्रिकेटरों का समर्थन मिल रहा है।